हेलो एवरीवन, आज हम जेएनयू का पीएचडी इंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर देखिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी पॉलिटिकल साइंस से आगे इंट्रेंस देने जा रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लें। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेस्ट ऑफ बजटिंग द टर्म गुलोटिन इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू। जो गुलोटिन वर्ड है ये बजटिंग के टर्म में किस लिए यूज़ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वोटिंग ऑन डिमांड्स के लिए, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, नेशनलिज्म एज द इन्वेंशन ऑफ द पेरिफेरल नेशंस इज एसोसिएटेड विथ। ये एसोसिएटेड है न्यू मार्क्सिस्ट से, नौ मार्क्सवाद से संबंधित है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कंटेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन ऑल इंडिया रेडियो एंड नेशनल ब्रॉडकास्टर ऑफ विच कंट्री। ये क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स था, भारत और किस नेशन के बीच में ऑल इंडिया रेडियो और उस कंट्री के नेशनल ब्रॉडकास्टर के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के साथ। फोर्थ क्वेश्चन है, दी सेड शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म इज लाइकली टू चेक सी पायरेसी इन इंडियन ओशन, द पैक्ट इज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच अदर टू नेशंस। शेड साइन हुआ है इंडिया और किन दो नेशन के बीच में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना और जापान के साथ, राइट। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आरटीआई एक्ट से है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है आरटीआई एक्ट के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट प्रोवाइड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विद द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि आरटीआई को डिस्पोज करना होता है विद इन 30 डेज, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है। और डी ऑप्शन भी सही है, द एक्ट डिफाइंस द पब्लिक अथॉरिटी। लेकिन सी ऑप्शन गलत है आरटीआई एक्ट के लिए, कि एक एप्लीकेंट अपील कर सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज आर्ग्यूड दैट द इलेक्ट्रल सिस्टम डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम। किसका है ये स्टेटमेंट कि जो इलेक्ट्रल सिस्टम होता है वो वहाँ की पार्टी सिस्टम के नेचर को डिफाइन करता है? इसका करेक्ट आंसर है मॉरिस डुअर्जर। ये क्वेश्चन देखिए मैंने वीडियो में करवाया हुआ है। सेवेंथ क्वेश्चन है, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द रिवर्स ऑफ। देखिए चार नदी दी गई हैं, आपको बताना है कि इंडस वाटर ट्रीटी में किन नदियों पर इंडिया का राइट है, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रावी, ब्यास और सतलज पर इंडिया का राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एट्थ क्वेश्चन है, विच नेशन रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड नाभी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अबव अर्थ। नाभी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईरान ने लॉन्च की है। नाइन्थ है, द मोस्ट लॉजिकल क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश अ लाइन फंक्शन फ्रॉम स्टाफ। लाइन फंक्शन को हम स्टाफ से किस तरह से अलग करते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस के लिए क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है, इन जॉन रॉस थियरी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस वर एस्टैब्लिश्ड बाय पीपल Who had faced? जो रॉल्स की थ्योरी है न्याय की, उसमें न्याय की स्थापना क्यों करनी पड़ी या किन लोगों ने करी, किस वजह से करी? ये की है वेल ऑफ इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान का पर्दा जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। इस वजह से प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को एस्टैब्लिश किया गया। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल थ्योरी इज, क्रिटिकल थ्योरी के लिए एक सवाल आया है कि क्रिटिकल थ्योरी क्या है। क्रिटिकल थ्योरी है ऑफन रिलेटेड टू मार्क्सिस्ट आइडिया। एग्जैक्टली उससे एग्री नहीं करती है लेकिन बहुत हद तक
मार्क्सवाद से संबंधित है। अगेंस्ट मार्क्सिज्म बिल्कुल नहीं है, ये याद रखिएगा। 12th क्वेश्चन, विच स्टेट इन द US हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द कांग्रेस? कांग्रेस में US के आपको बताना है कि किस स्टेट का लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये है कैलिफोर्निया का। 13th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड इन रिलेशन टू द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस? इसका करेक्ट आंसर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं आता आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस में। 14th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड रॉबर्ट पटनम्स स्टडी ऑफ नॉर्दर्न इटली रिवील? नॉर्दर्न इटली की जो स्टडी रॉबर्ट पटनम ने की है वो क्या रिवील करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ सिविक एंगेजमेंट। 15th क्वेश्चन, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा वोट्स इन 19 लोकसभा इलेक्शन? सबसे ज्यादा नोटा वोट किस राज्य या फिर किस यूनियन टेरिटरी से आए थे? इसका करेक्ट आंसर है बिहार में सबसे ज्यादा नोटा वोट पड़े थे 19 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर। 16th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड रायसन डिटेट मीन? इसका मतलब होता है द नेशनल इंटरेस्ट। 17th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियर्ड द एम्पिरिकल अप्रोच इन लुकिंग फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसका करेक्ट आंसर है F.W. टेलर ने एम्पिरिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स? न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इनमें से कौन कौन से हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेशनल चॉइस भी है, स्ट्रक्चरल भी है और सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी आता है। 19th है, द नागा डिमांड फॉर सेसेशन वॉज मेड बाई? नागा डिमांड सबसे पहले जो मेड की गई थी ये की गई थी अंगामी जापू फीजो के थ्रू। 20th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेंथम नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू सॉवरेन मास्टर्स? इसका करेक्ट आंसर सबको पता है ऑप्शन सी, पेन और प्लेजर के अंदर मैनकाइंड डिवाइड है। फिर देखिए 21th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज व्हेन अ सोल इज रूल बाय इट्स रेशनल पार्ट? न्याय तभी है जब जो आत्मा है वो रेशनल पार्ट के थ्रू रूल करे। 22nd क्वेश्चन, कम्युनलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम कम्यून विच इज आ? बहुत देखिए जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं ये इनका डेरिवेशन बहुत आता है कि ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। 23rd क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड इज नॉट अ कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ कम्युनिकेशन बाई एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एज अथॉरिटेटिव? इसका करेक्ट आंसर है नॉन कन्फ्लिक्ट विद द पर्सनल इंटरेस्ट कंडीशन नहीं है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस के लिए जो चेस्टर बर्नार्ड ने दिए। इनकी देखिए आपको एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी पढ़नी पड़ेगी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। 24th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन सी देखिए इसका राइट आंसर है कि सम ऑफ इट्स मेंबर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ये बिल्कुल गलत है, एडल्ट सफरेज के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी इलेक्ट नहीं किया गया था। 25th क्वेश्चन, द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड जापान रिफर्स टू मीटिंग अटेंडेड बाई विच डिग्नेटरीज ऑफ टू कंट्रीज? ये अटेंड की गई थी जो इंडिया और जापान के बीच में 2+2 मीटिंग हुई थी, इसे अटेंड किया था फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ने और सेक्रेटरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? लिबरल पर्सपेक्टिव इनमें से किसका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हुगो ग्रोटियस ने लिबरल व्यू अपनाया है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए। 27th क्वेश्चन है, हु सेड एनी चेंज बिग और स्मॉल सडन और ग्रेजुअल पार्शियल और कंप्लीट इज अ रिवोल्यूशन? किसी भी तरह का बदलाव बिग हो स्मॉल हो सडन हो ग्रेजुअल हो या पार्शियल या कंप्लीट वो क्रांति में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है।
28th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम केयर्स। पीएम केयर देखिए बहुत न्यूज में रहा है कोरोना वायरस के टाइम में, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिसो ट्रस्टी है पीएम केयर के, ये सही है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी एक्स ऑफिसो ट्रस्टी है पीएम केयर्स के, ये भी सही है। लेकिन सी स्टेटमेंट देखिए इसमें गलत है कि इट हैज़ बीन सेटअप थ्रू ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। डी भी सही है कि ये डोनेशन और कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन से जो फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं। 29th क्वेश्चन देखिए, हु कॉइंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति सबको पता है, जयप्रकाश नारायण ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30th क्वेश्चन, इन मेडिवल यूरोप वॉट वॉज द मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ यूनिटी। मेडिवल यूरोप में यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या था। कैथोलिक चर्च देखिए मेडिवल यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। 31st क्वेश्चन, इन इंटरनेशनल रिलेशंस पोस्ट मॉडर्निज्म इज कैरेक्टराइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ रेंज ऑफ चैलेंजेस टू द एजेप्शंस ऑफ मॉडर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। लिमिटेशन नहीं है जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, देखिए नॉट जरूर पढ़ लिया करिए क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी देखिए ए है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आर हाईली टेक्निकल नेचर, ये एक लिमिटेशन में ही आएगा। जुडिशियल रेमेडी हैज क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ये तीनों ही लिमिटेशन है, लेकिन ऑप्शन डी लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपको आइडियाज और थिंकर दिए गए हैं। एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा का है, करेक्ट है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी डेनियल बेल का है। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की बात एसपी हंटिंगटन करते हैं, लेकिन न्यू वर्ल्ड की बात रॉबर्ट नॉजिक नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट पेयर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन देखिए, इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये बाद में मैं डिस्कस कर लूंगी। 35th क्वेश्चन देखते हैं, कांट सेज दैट द बेसिस ऑफ मोरालिटी इज। कांट के अकॉर्डिंग मोरालिटी का बेसिस क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइमन्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी। हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी हमने पढ़ी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी को लेकर के। इसका करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मैक्सिमाइजेस, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी में आते हैं। 37th क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एडवर्ड सेड्स ओरिएंटलिज्म आर्ग्यू। एडवर्ड सेड ने ओरिएंटलिज्म दिया है, आपको बताना है कि ये किस चीज का समर्थन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपियंस हैव टेंडेड टू डिफाइन देमसेल्व्स इन अपोजिशन टू द ओरिएंटल अदर। इसका राइट आंसर है। 38th क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट गिवन बाई बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि ब्रिटिश रूल इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड इन द मॉडर्न इंडिया। ये बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ये तीनों ही स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर के दिए हुए हैं। 39th क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूज दैट। कंस्ट्रक्टिविस्ट किस चीज को लेकर के एग्री करते हैं इनमें से, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि जो ट्रूथ है वो हमेशा सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, हु सेड एवरी नेशन हैज इट्स सोल विच कुड बी लोकेटेड इन इट्स सिटी। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दीनदयाल उपाध्याय। 41st देखिए क्वेश्चन क्या है, The Indo-Bhutan Friendship Treaty was substantially revised in 17 under the Bhutanese King. उस समय भूटान के राजा कौन थे 2017 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिगमे खेसार नागमेल वांगचुक 2017 में भूटान के किंग थे जब इंडिया भूटान ट्रीटी साइन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd क्वेश्चन है, द नोशन दैट Changing the context surrounding a test, a set of symbols,
चेंजेस द टेक्स्ट मीनिंग अंडरलाइज विच पोस्ट मॉडर्न डिस्कर्सिव प्रैक्टिस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिकंस्ट्रक्शन को ये लेता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इंडिकेशन ऑफ लॉस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. इसका राइट आंसर है एडजमेंट मोशन इज कैरेट. एडजमेंट मोशन से देखिए लॉस कॉन्फिडेंस लोअर हाउस में नहीं साबित हो जाता. बाकी तीनों जो एडजमेंट है इससे होता है कि वोट ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेजेंट एड्रेस इज नॉट कैरिड. ये भी है, कट ऑन मनी बिल अगर पास होता है या सेंस ऑफ मोशन पास होता है, लेकिन एडजमेंट मोशन इसमें नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आ की प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी सत्याग्रह. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ सफरिंग आता है सत्याग्रह में गांधी जी के, अहिंसा आता है, ट्रूथ आता है, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. नेक्स्ट है, इंडिया अंडर इंदिरा गांधी फुली सपोर्टेड द कॉज ऑफ द बांग्लादेशीज एंड इट्स ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट वर यूज टू फाइट द पाकिस्तानी फोर्सेस. द इंडियन आर्मी ऑल्सो गेव फुल सपोर्ट टू द मेन बांग्लादेशी गुरिल्ला फोर्स. उसका नाम बताना है आपको कि बांग्लादेशी गुरिल्ला फोर्स का नाम क्या था. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्ति बहिनी नाम था. 46th क्वेश्चन देखिए, हम बाद में देखेंगे. 47 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश का क्या नाम है. मेंशन है इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया एंड भारत, ये दोनों शब्द मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. 48 देखिए, 8th क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ मूवमेंट है, RTI है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन है. बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड है, नर्मदा बचाओ मेधा पाटकर से रिलेटेड है, RTI अनुराग रॉय से है, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे जी से रिलेटेड है. साइकिल इज द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी या पार्टी. साइकिल देखिए सिंबल, ये सिंबल है समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल फॉर द सिविल सर्विसेज इन अ डेवलपिंग कंट्री. नॉट अ रोल आपसे पूछ रहा है कि सिविल सर्विसेज का रोल कौन सा नहीं है इनमें से विकासशील देशों में. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेल्पिंग द पीपल टू कीप अब्रप्ट ऑफ चेंजेस इन सोशल लाइफ इन द डेवलप कंट्रीज. ये बिल्कुल भी सिविल सर्विसेज का काम नहीं है. बाकी तीनों ही आंसर सही है. नेक्स्ट देखिए, हु सेड द लाइफ ऑफ मैन इज सोलिटरी पुअर नास्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट. ये थॉमस हॉब्स का है, जो मैन के नेचर को सोलिटरी पुअर नास्टी ब्रूटिश और शॉर्ट मानते थे. 52nd देखते हैं, हु सेड मेक वुमेन रेशनल क्रिएचर एंड फ्री सिटीजन्स एंड दे विल क्विकली बिकम गुड वाइव्स एंड दैट इज इफ मैन डू नॉट नेग्लेक्ट द ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड फादर्स. ये स्टेटमेंट है मैरी वोलस्टोन क्राफ्ट का. अकॉर्डिंग टू थॉमस अक्वानस मैन्स अल्टीमेट हैप्पीनेस कंसिस्ट्स इन कंटेम्पलेटिंग गॉड. थॉमस अक्वानस के अकॉर्डिंग अल्टीमेट हैप्पीनेस किस में है, कंटेम्पलेटिंग गॉड में. नेक्स्ट है, हु सेड क्वेस्ट फॉर फ्रीडम एंड सर्च फॉर ट्रूथ कंस्टिट्यूट द बेसिक अर्क ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस. ये एमएन रॉय जी का स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, ऑथर हैं और बुक्स हैं, आपको बताना था कि इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है. करेक्ट और इनकरेक्ट का बिल्कुल एकदम देख लिया करिए, क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार सिर्फ पढ़ा करिए कि इसमें कहीं करेक्ट और इनकरेक्ट ना हो. देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये इनकरेक्ट है. लैंडमार्क जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया, ये किताब है अशोक कुमार गांगुली की, जिया मोदी की नहीं है. अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस. कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस में इसमें से कौन सा की कंपोनेंट नहीं है. कम्युनेबिलिटी देखिए नहीं आता है, अकाउंटेबिलिटी आप देखेंगे आता है, ट्रांसपेरेंसी भी आता है, और प्रेडिक्टेबिलिटी भी गवर्नेंस के कंसेप्ट में आती है, लेकिन कम्युनिकेबिलिटी नहीं है. फिर देखिए, ईशा बर्लिन आर्ग्यूड दैट, आपको पता है कि बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही है कि पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंटेड अ सीरियस थ्रेट टू फ्रीडम. विच जनरल इलेक्शन एंडेड द पीरियड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स.
1967 में वन पार्टी जो डोमिनेंस था इंडियन पॉलिटिक्स में वो खत्म हो गया जनरल इलेक्शन में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेंट बाई लाइसेंस कोटा परमिट राज। इसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन से। नेक्स्ट देखिए, वाई कैन पोस्ट कोलोनियल क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशंस देमसेल्व्स बी क्वेश्चन्ड। क्यों क्वेश्चन होना चाहिए? क्योंकि दे कैन रोमेंटाइज नॉन वेस्टर्न कल्चर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉलोनाइज्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट बिफोर इट गेन इंडिपेंडेंस। देखिए ये जो लैटिन अमेरिका था ये अंदर था स्पेन के। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना रिलेटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। प्राइम मिनिस्टर की जो उज्ज्वला योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। नेक्स्ट है, क्वेरम फॉर एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्स। एक क्वेरम को स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्वेश्चन देखिए आप, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर पूछ रहा था कि उसमें कौन सा क्वेरम होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 मेंबर या 1/10 मेंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। या तो 10 सदस्य होना चाहिए या फिर 1/10 जो टोटल मेंबर हैं वो होने चाहिए। देखिए इसमें 10 मेंबर क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर बहुत कम नंबर में एमएलएज हैं, तो अगर 1, 2, 3 ही एमएलए आएंगे, अगर 1/10 हम निकाल देंगे उसका, तो 1, 1, 2, 3 ही एमएलए आएंगे तो फिर वो प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होगी। इसलिए देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में 10 मेंबर्स रख दिया गया है कि 10 सदस्य तो कम से कम आने चाहिए या फिर 1/10 मेंबर जो भी हो, विच एवर इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फुकोल्ट आर्ग्यू दैट। माइकल फुकोल्ट देखिए पावर की बात करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पावर इज इनहेरेंट इन ऑल सोशल रिलेशंस एंड इज देयर फॉर इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट इवन दो इट्स अब्यूजेस शुड ऑलवेज बी अटैक्ट। नेक्स्ट देखिए, हु इज द पैट्रॉन इन चीफ ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। NLSA के पैट्रॉन के तौर पर चीफ कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। फिर देखिए, हिस्ट्री फ्रॉम ब्लो प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर अ पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। ये सब अल्टरनेट स्कूल देखिए हिस्ट्री फ्रॉम ब्लो को फॉलो करता है, इसका बेसिस है ये। ये भी आसान क्वेश्चन था। 67 देखिए, हु सेड भारत माता इज द बेसिस ऑफ अवर नेशनैलिटी नॉट जस्ट इंडिया। इफ यू डिलीट द वर्ड भारत माता इंडिया विल बिकम द पीस ऑफ लैंड ओनली। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है दीनदयाल उपाध्याय का कि जो भारत माता है ये बेसिस है हमारी नेशनैलिटी की, नॉट जस्ट इंडिया। अगर हम माता वर्ड डिलीट कर देते हैं तो इंडिया सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड बचेगा। नेक्स्ट है, जीन पॉल सार्ट्रे सेड दैट अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशनलिज्म देयर इज नो रियलिटी एक्सेप्ट देन एक्शन। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में करवाया हुआ है, अस्तित्ववाद को लेकर के ये सवाल है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये क्वेश्चन देखिए मैं बाद में डिस्कस करूंगी। 70th क्वेश्चन है, हाउ मैनी मार्गाज आर इन मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धिज्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8 मार्ग बुद्धिज्म बताते हैं मध्यम मार्ग के तौर पर। 71st है देखिए, वॉट इज न्यू रियलिज्म। न्यू रियलिज्म क्या है? ये है एन अटेम्प्ट टू री स्टेट द बेसिक आइडिया ऑफ रियलिज्म इन मोर साइंटिफिक टर्म। उसे हम नियो रियलिज्म कहते हैं, जो थोड़ा सा मोर साइंटिफिक हो। 72nd देखिए, इंडिया हैज काला पानी एंड सुस्ता टार्शियल डिस्प्यूट विथ नेपाल। ये क्वेश्चन में देखिए मैंने वीडियो में करवाया है। 73rd देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड फोर आईज एज बेसिस ऑफ पार्टी फॉर्मेशन। फोर आईज की बात इनमें से कौन करता है पार्टी फॉर्मेशन के लिए? इसका आंसर है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं करता। नेक्स्ट, इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप द प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर रेजिग्नेशन ऑफ 18 गवर्नर्स हु हैड बीन अपॉइंटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। 18 गवर्नमेंट को किसने रिजाइन करने के लिए, प्रेसिडेंट ने रिजाइन करने के लिए कहा, लेकिन किसकी उसमें गवर्नमेंट थी? वीपी सिंह की। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन डी देखिए शामिल नहीं है, टू मेंटेन एस्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पस इंस्टीट्यूशन, ये शामिल नहीं है। बाकी तीनों शामिल है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, राइटली फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, राइटली फ्रीडम फ्रीली टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ये तीनों देखिए आर्टिकल 25 में है, लेकिन ऑप्शन जो डी है ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द टर्म कल्चरल कैपिटल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? कल्चरल कैपिटल किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। देखिए रॉबर्ट पटनम से रिलेटेड कल्चरल कैपिटल नहीं है, रॉबर्ट पटनम ने सोशल कैपिटल की बात की है, कल्चरल कैपिटल की बात नहीं की है। नेक्स्ट, Why did realism challenge the academic supremacy of liberal thought after the First World War? लिबरल जो रियलिज्म चैलेंज किए थे सुप्रीमेसी लिबरल थॉट को आफ्टर वर्ल्ड वॉर, क्यों चैलेंज किया था? क्योंकि देखिए इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ये तीनों ही रीजंस थे रियलिज्म ने जिस वजह से लिबरल थॉट को चैलेंज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, न्यू सोशल मूवमेंट का देखिए लेकर के ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुडॉल्फ इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ बुलक कैपिटलिस्ट इन द वेक ऑफ? रुडॉल्फ ने बुलक कैपिटलिस्ट नोशन लाया ये किस वक्त? ये ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त, हरित क्रांति के समय। देखिए नेक्स्ट है, असर्शन और रीजन पर ये सवाल है, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, और रीजन क्या दिया हुआ है कि नेशन स्टेट सीम टू हैव लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी इन एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट देखिए रीजन जो है वो स्टेटमेंट को सही डिफाइन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द टेबल ऑफ हाउस, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, रमनादान कमिटी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये कमिटी रिलेटेड है टू डिसाइड द क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर्स फ्रॉम ओबीसीज, राइट? नेक्स्ट देखिए, व्हाट डस इंफ्रा पॉलिटिक्स डोनेट? इंफ्रा पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? इंफ्रा पॉलिटिक्स का मतलब है ऑप्शन सी, द वे इन विच सीमिंगली पावरलेस पीपल सबवर्ट द अथॉरिटी ऑफ पावरफुल। नेक्स्ट, द टर्म वेब इन हंटिंगटन्स थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ब्रॉडली रिफर्ड, वेब का मतलब क्या है? वेब का मतलब है ट्रांजिशन से, जैसे कि थ्री वेव में हंटिंगटन ने बताया है कि पहले कौन कौन सी कंट्री किस तरह से डेमोक्रेटिक होती गई, ये ट्रांजिशन दिखाया है उन्होंने अपनी थ्योरी में। नेक्स्ट है, इंडिया कंडक्टेड ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशन अलॉन्ग विथ यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इसे हम मालाबार के नाम से एक्सरसाइज को जानते हैं, जिसमें कि इंडिया कंडक्ट करता है यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज, इसे हम मालाबार कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर? गवर्नर को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये सही है, ए सही हो गया। ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर इज इन द शेड्यूल थर्ड, ये भी स्टेटमेंट देखिए सही है। सी स्टेटमेंट है, गवर्नर हैज नो लेजिस्लेटिव पावर, ये गलत है। और डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द गवर्नर आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन बिल्कुल नहीं है डिस्क्रिमिनेटरी पावर उसकी, जो विवेक पर जो निर्णय लेता है वो शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट गवर्नर के लिए सही हैं। नेक्स्ट देखिए, थिंकर और बुक्स है, प्लेटो की बुक क्रीटो है, मैकियावेली की डिस्कोर्सेस ऑन लिवी है, हॉब्स की डिसीव है, लेकिन ऑप्शन बी, एरिस्टॉटल की बुक मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ मार्केट स्टेट? नेचर जो है मार्केट स्टेट का कौन सा सबसे अच्छा डिफाइन करता है? फैसिलिटेटर, ये डिफाइन करता है मार्केट स्टेट के नेचर को। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ कॉमन मेंबर ऑफ बोथ सार्क एंड बिम्स्टेक? सार्क और बिम्स्टेक में कौन सा एक नेशन कॉमन मेंबर नहीं है? वो है अफगानिस्तान, जो कि सार्क का मेंबर है लेकिन बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट,
द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट इज मेनली अगेंस्ट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मूवमेंट है वो लाया गया था अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन और न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से। देखिए फिर नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल्स कंसर्निंग द प्रोविजंस ऑफ ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर रिकमेंडेड बाय ग्रांट इन एड, जो स्टेट को दे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ गवर्नेंस वॉज इवॉल्व बाय द वर्ल्ड बैंक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्सपीरियंसेस इन सब सहारन अफ्रीका के बेसिस पर आइडिया ऑफ गवर्नेंस को वर्ल्ड बैंक ने इवॉल्व किया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डिक्टेटर इन द वर्ल्ड, वो थे पॉल बिया जो कि लॉन्गेस्ट रूलिंग डिक्टेटर थे। सेकेंड नंबर पर देखिए ट्रियोड्रो ओबियांग न्यूगमा माबासु थे, लेकिन फर्स्ट नंबर पे पॉल बिया थे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गांधी वोटर शुड हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ, वोटर के लिए क्वालिफिकेशन गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क तो सबको आना ही चाहिए एक वोटर को। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ शेड्यूल को लेकर के सवाल आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ए सही है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड किया गया 1951 में नाइन्थ शेड्यूल। और फिर देखिए जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल है इन शेड्यूल, बाद में इसे पॉसिबल बनाया गया था, पहले नहीं था, तो ये भी सही है। फिर है, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है क्योंकि बाद में ऐड किया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। और बी देखिए गलत है, इट इज़ ओनली रिलेटेड विद द लैंड रिफॉर्म लॉ, ऐसा नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे प्रोविजंस शामिल हैं नाइन्थ शेड्यूल में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएस मिल सेड दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टिस एंड अदर मोरल ऑब्लिगेशंस करेस्पॉन्ड्स परफेक्टली टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द ओथ और अफर्मेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा इनमें से मेंशन नहीं है, वो है ऑप्शन डी, सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये शामिल नहीं है उनकी ओथ में, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, लेकिन सेफगार्ड करना नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कौटिल्यास मंडल सिस्टम, कौन सा इनमें से कौटिल्या के मंडल सिस्टम से संबंधित नहीं है, देखिए अरि है, विजिगीषु है, मित्र है, लेकिन अरि अक्रांत नहीं है। अगला क्वेश्चन डेलीगेटेड डेमोक्रेसी को लेकर के आया है, डेलीगेटेड डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सटेंसिव पब्लिक डिबेट बिफोर पॉलिटिशियंस टेक डिसीजंस, जिसे हम डेलीगेटेड डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु सेड एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये महात्मा गांधी जी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है। देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस आए हुए थे, और देखिए इस बार तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन इसमें हमें देखने को नहीं मिल रहा है एक भी, लेकिन लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से आए थे। जनरली पीएचडी इंटरेस्ट में आप देखिए तो रिसर्च के क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन इस बार जेएनयू ने अपना पैटर्न चेंज किया, सिर्फ इसमें देखिए आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो भी पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, रिसर्च के क्वेश्चन इसमें नहीं आए हुए थे। ये देखिए 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, और देखिए कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आगे पॉलिटिकल साइंस से किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लीजिए। थैंक यू, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब बटन देखिए बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अगेन थैंक यू।